हेलो एवरीवन, मैं हूँ सेली। वेलकम करती हूँ राही किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का लगता है और बनाना बिल्कुल आसान है। बड़े हो या छोटे, ये हलवा बड़े ही शौक से हर कोई खाना पसंद करते हैं और ये हलवा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाना बताऊंगी, जिसकी वजह से आप इजली बना भी सकते हैं। तो फिर बिना देर के हुए चले बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यह हलवा बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार होता है, तो इसीलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। पपीते के हलवे को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, यह बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है, इसीलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो फिर बिना देर किए चले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कच्चे पपीते का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो पपीतों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से पपीते का क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकती हैं। तो ये देखें, कच्चे पपीते मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इस तरीके से छिलने की मदद से सारे छिलके को अच्छे तरीके से हटा लेंगे। इसे हरा हरा छिलका जितना भी है पूरे अच्छे तरीके से हटाएंगे। तो अक्सर मेरे हाथों में कुछ ना कुछ कट लग ही जाते हैं, क्योंकि ये स्लिप करता रहता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इसे थोड़ा धीरे धीरे ही छीलें। सारे छिलके को छिलने की मदद से छिल करके हटाएं। छिलने की मदद से छिलने से ये इजिली छिला जाते हैं। कच्चा पपीता थोड़ा सख्त होता है, इसे छीलते वक्त इसमें के जो दूध हैं वो निकलते रहते हैं, जो हाथों को स्लिप करते रहते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से पकड़ कर करके छिलके हटाएं, ताकि ये हाथों में लगे नहीं, क्योंकि मैं अक्सर जब भी पपीते छीलती हूँ, कच्चे पपीते। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों पपीतों को अच्छे तरीके से छिलके हटा लिए हैं और इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को काट करके हटा देंगे। अब इसमें पानी डाल करके दो तीन वॉश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ताकि इस पे जो लगे हुए दूध वगैरह हो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए, ताकि इसका कसैलापन निकल जाए। अब इसे काट करके इसके बीज को मैं निकाल करके बाहर फेंक दूंगी। कच्चा पपीता हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल माना जाता है, ये लीवर वगैरह में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। कच्चा पपीता आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने में काफ़ी मदद कर सकता है। कच्चे पपीते में फाइबर, पोटेशियम और फोलेट होता है, जो दिल की बीमारियों को कम करने में मदद करता है। कच्चा पपीता जो है जख्म को भी बहुत तेजी से भरता है, इसलिए इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। वैसे तो हम लोग अपने मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके के आइटम्स बनाते रहते हैं, लेकिन जो कच्चा पपीता फ़ायदा करता है वो तो अलग ही बात है। तो देखें, इस तरीके से मैंने पूरे बीज को निकाल करके इसे इस तरीके से मैं कास्ट टाइप से मैं काट रही हूँ। इसे मैं थोड़ा मोटा मोटा काटी हूँ, ताकि मुझे पकड़ने में आसानी हो, क्योंकि मुझे इसे ग्रेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पूरे पपीते कट चुके हैं। अब मैं इस तरीके का ग्रेटर ले ली हूँ और इसके मैं ज़्यादा मोटे वाले नहीं, मीडियम साइज़ के ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट करूँगी। देखें इस तरीके से, ना ही मैं ज़्यादा बारीक ग्रेट कर रही हूँ, ना ही ज़्यादा मोटा, मैं मीडियम साइज़ के ग्रेट वाले साइज़ से मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरीके से। और मैं प्लेट पे रखी हुई हूँ, इसीलिए ये थोड़ा स्लिप कर रहा है। मेरा ग्रेटर इतना स्लिप कर रहा था कि उसको कस के मैं एकदम पकड़े हुई थी। उस वक्त तो कुछ दर्द का एहसास नहीं हुआ, बाद में इतना दर्द कर रहा था मेरा हाथ कि मैं क्या बताऊँ। अब फाइनली मेरा यहाँ पर पूरा पपाया ग्रेट हो चुका था, देखें इस तरीके का, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज्यादा मोटा। मैं इतना फास्ट इसे ग्रेट कर रही थी, आसपास देखें गिरा भी था। मैं बिल्कुल मीडियम साइज के ग्रेटर से मैं ग्रेट की हूँ, देखें इस तरीके का ये ग्रेट हो चुका है। तो फिर बिना देर के हुए चले बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन की और कढ़ाई डाल दी, इस कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और मैं यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब घी डाली हूँ, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे हम 3 इलायची इसे डाल दे रहे हैं, इसमें इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो जब हलवा तैयार हो जाए तो उस वक्त डाल दें। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसी घी में मैं पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट जो है उसे पहले फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे छोटी वाली प्याली से मैं 1/2 प्याली के करीब काजू ली हूँ और 1/2 प्याली बादाम ली हूँ, उसे मैं थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में काट ली हूँ और थोड़ा 1/2 प्याली मैं किशमिश भी डाली हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अपने पसंद की ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हम कुछ मिनट के लिए चला लेंगे और चला करके इसे थोड़ा अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मुझे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, देखें इस तरीके के। और उसके बाद ग्रेट किया हुआ पपाया उसे डाल देंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरीके से अलट पलट के पूरे घी में फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 10 से 15 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसे लेकिन चलाते रहेंगे क्योंकि ताकि ये नीचे जले नहीं। जैसे ही इस पपीते में स्टीम लगेगा वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जाएगा और सॉफ्ट भी होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसे चलाते हुए तकरीबन हमें 15 से 17 मिनट तक हो चुके हैं। अब देखेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये बहुत कम हो चुका है। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, जो कि मैं 1 लीटर दूध को थोड़ा गाढ़ा कर ली थी। इसे चलाते हुए हम अब थोड़ी देर तक कुक करेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती चलूंगी। हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं बारीकी से बता रही हूँ ताकि आप इजीली बना लें। अब आप देख सकते हैं इसका दूध अच्छी तरीके से ड्राई होने लगा है। तो इस वक्त हम थोड़ा सा कलर लेकर के हरा कलर मैं डाल दे रही हूँ कि ताकि ये अच्छा लगे देखने में, क्योंकि ये कुक होने के बाद दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा हरा कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से थोड़ा दिखने में हरा हरा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए मैं इसे डाल दी हूँ और इसे डाल करके अच्छी तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। जब दूध ड्राई हो जाए तब इसमें शक्कर डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा आप पसंद करते हो। मैं इसमें 1/2 प्याली शक्कर ले ली हूँ। अब इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। सारे प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। यह कच्चा पपीते का हलवा बना हुआ बिल्कुल नहीं लगता, खाने में बिल्कुल नहीं लगता है कि ये पपीते से बना हुआ है। इतना इसका टेस्ट रहता है, इतना मज़े का टेस्ट रहता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा आपका भी हलवा बनकर के तैयार होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब देखें यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यह अच्छी तरीके से इसका शक्कर मेल्ट हो गया है। यह अपनी क्वांटिटी से बिल्कुल कम भी हो गया है और दूध का देख रहे हैं खोआ की तरह थोड़ा थोड़ा फटा फटा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह रेडी हो गया। इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो फिर बिना देर किए चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है, इसलिए मैं इस तरीके के अगर हलवा बनाती हूँ तो कलर ज़रूर डाल देती हूँ ताकि इसका कलर देखने में खूबसूरत लगे। कच्चे पपीते तो गांव में ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन शहर में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ये हमेशा नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिख जाता है तो ले आते हैं। ज़्यादातर तो शहरों में पके हुए पपीते ही मुझे दिखता है। इस तरीके से बनाएंगी तो घर में बड़े हो या छोटे हर कोई बड़े ही शौक से खाएंगे, और कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो उसे तो लगेगा ही नहीं कि ये कच्चे पपीते का हलवा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा ये बन करके तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।